मैं खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शेरकोट, उत्तराखंड आपदा प्रबंधक मंत्री विनय रोहेला का शेरकोट में कुंवर ठाकुर संजय गहलोत के निवास पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। आइए आपको अवगत करा दे, मोहल्ला चौधरियानंद निवासी कुंवर ठाकुर संजय गहलोत के निवास पर पहुंचे उत्तराखंड आपदा मंत्री विनय रोहेला। उत्तराखंड आपदा प्रबंधक मंत्री विनय रोहेला का शेरकोट में जोरदार स्वागत किया गया। आपको बताते चले, दिनांक 27 मार्च 2024 को कुंवर ठाकुर संजय गहलोत के भतीजे अविरल गहलोत की शादी विवाह कार्यक्रम किया गया था। उसी के चलते आज शेरकोट में कुंवर ठाकुर संजय गहलोत के भतीजे अविरल और उनकी पत्नी अंशिका गहलोत को आशीर्वाद देने पहुंचे आपदा मंत्री विनय रोहेला। आपदा मंत्री विनय रोहेला ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए दोनों की लंबी आयु तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ठाकुर कुंवर संजय गहलोत एवं उनकी पत्नी गीतिका गहलोत व सपना गहलोत ने आपदा मंत्री विनय रोहेला को शॉल एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत में उपस्थित रहे शेरकोट भाजपा वरिष्ठ नेता कामेश्वर राजपूत, भाजपा शेरकोट पूर्व मंडल अध्यक्ष शरदचंद्र शर्मा, शशिकांत शर्मा, डॉक्टर अमित चौहान, रितेश रोहेला, रामनाथ सिंह चौहान, मास्टर चंद्रभान सिंह, एमपी बख्शी, परविंदर चौहान, सागर सिंह, पत्रकार शमीम अहमद, पत्रकार डॉक्टर नईमुद्दीन, वरिष्ठ पत्रकार खालिद खान, पत्रकार रंजीत सिंह दारा, उत्तराखंड काशीपुर भाजपा कार्यकारिणी जिला पंकज चौहान, प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड रशीद अहमद, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड इंतजार हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चा नगर महामंत्री मोहम्मद सईद, पप्पू, पुनीत वर्मा, दिनेश वर्मा, नितिन सैनी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अभी करीब है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में लगभग उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समिति और विधानसभा कोर कमेटी की घोषणा कर चुकी है। वहाँ टिकट भी घोषित हो चुके, प्रत्याशी का भ्रमण कार्यक्रम भी चालू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना कार्य किया गया है आदरणीय मोदी जी के द्वारा देश के अंतर्गत, तो कि हम पूरा देश तो देश विदेश भी कह रहा है कि वो भी लोग मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं। कल एक आपने सुना होगा कि अमेरिका से न्यूज फ्लैश हुई थी कि यूक्रेन पे हमला परमाणु बम होने वाला था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के माध्यम से परमाणु बम हमला रुक पाया। तो इस दृष्टिकोण में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव रूपरेखा कार्यालय कार्यकर्ता और कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण रूप से तैयार है और जैसे ही आचार संहिता शुरू होगी हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। आपका मानना है 400 पार? मानना नहीं, निश्चित है। मंत्री जी, इस बार गिद्धे गठबंधन कह रहा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ देश के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है उसको देखकर? इंडिया गठबंधन के लोग, विपक्षी दल, तो कहीं यूपी में दिख रहा है, उत्तराखंड में दिख रहा है, मध्य प्रदेश में दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, तो बिहार में कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? जहाँ दिख रहा होगा वहीं से सरकार बना लेंगे। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।